आपको निर्णय लेना है कि तंदुरुस्ती और बल में चले और प्रभु की चंगाई में चले। आपको निर्णय लेना है कि सफलता में जिए। आपको निर्णय लेना होगा कि खुश परिवार रखे। आपको निर्णय लेना होगा कि आप अपने हाथ के हर काम में सफल हो जाए। आपको निर्णय लेना होगा कि जो भी यीशु ने आपके लिए किया है उसे आप ले ले, उसे इस जीवन में ले ले, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने शरीर में, अपने हाथों के कामों में, अपने परिवार में, अपने धन में। आपको निर्णय लेना होगा। My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Troubles surround me, chaos abounding, my soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. सैम पी चलोद्रे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। भजन 112, चलिए मैं पढ़ता हूँ वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु के वचन पर अपना दिल स्थापित करना। ये फेस सीरीज है और हम विश्वास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और ये उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करें। प्रभु का वचन दिल से संबंध रखता है, मन से नहीं। इसका संबंध प्रभु का वचन दिल में जाने से है और दिल को भरना है। यानी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करें, और इस पूरे अध्याय में भजन 112 में ये सिद्ध चित्र है हर विश्वासी का। जब विश्वासी का दिल प्रभु के वचन पर स्थापित होता है तो वो कैसे दिखता है, जब मनुष्य प्रभु के वचन से भरा होता है। अब हर विश्वासी जिसे आप देखते हैं वो ऐसे ऐसे नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत से संदेह से भरे होते हैं, डर और चिंता से। उनका दिल गलत चीजों से भरा होता है, लेकिन प्रभु के पास हमारे लिए सिद्ध चित्र है। उसने पहले इसे पूरा कर दिया है। वो कहता है तुम्हें इसी तरह दिखना चाहिए। आप यहां यीशु को देखते हैं, आप यहां इब्राहिम को देख सकते हैं, प्रभु के सारे संतों को,
आप देख सकते हैं यहां पर स्थिर दिल ही वो गुण है, मुख्य गुण है इन महान लोगों का। अब आप अपना दिल कैसे स्थापित करेंगे, आप अपने दिल को ऐसी स्थिति में कैसे रखेंगे जहां वो परेशान नहीं और वो डरा नहीं है, बुरी खबर से नहीं डरता और वो डरता नहीं, लेकिन अपनी जगह पर डटे रहता है जब तक वो देख न ले कि उसके सारे शत्रु नाश हो रहे हैं, जब तक कि पूरी विजय न पाए। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं अब 50 ओवर की मैच नहीं खेलूंगा, लेकिन जीतने तक खेलते रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं विजयी हूं। तो आप मुझे सहमत नहीं कर सकते कि मैं पूरी तरह हार गया हूं। जीवन में किसी भी समय शायद दिखता हो कि मैं हार गया हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं खेलते रहूंगा जब तक कि मेरी विजय निश्चित न हो जाए, क्योंकि यहां प्रभु ने घोषित किया कि मैं जयवंत हूं, इसलिए मैं जीतने तक खेलते रहूंगा। कितने लोग जीतने तक खेलते रहेंगे? जीवन ऐसा ही है, जीतने तक खेलते रहे, हिम्मत न हारे। कोई आपको ये न कहे, कोई आपको न बताए कि खत्म हुआ, मैच खत्म हुई, जब तक आप वहां पर है ये खत्म नहीं होगी, जब तक आप थके और परेशान महसूस करते ये खत्म नहीं हुई, ये तो तब तक खत्म नहीं हुई जैसे आप महसूस करते, ये खत्म नहीं हुई, ये तब खत्म होगी जब वो आपके हाथ को उठाकर कहते हैं कि आप जयवंत हैं, ये तब खत्म होगी। आमेन। ठीक है, अपना दिल कैसे स्थापित करें? आपको प्रभु के वचन के कुछ सत्य लेने होंगे और उसका प्रकाशन पाना होगा अपने दिल में उसे रखकर स्थापित करना होगा। अब कौन से सत्य हमें दिल में स्थापित करने चाहिए? ये सत्य कि हम कैसे नई सृष्टि हैं। आप वो पुराने असफल व्यक्ति नहीं जो पहले होते थे, आप वो पुराने व्यक्ति नहीं कि आप जो भी करते थे वो काम नहीं करता और ये सब, इस पर चर्चा न करें। आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। आप पुराने व्यक्ति नहीं जिनकी शादी काम नहीं कर रही थी, नहीं, आप नई सृष्टि है। खुद को नई सृष्टि के रूप में देखना शुरू करें। पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है, आपके आगे नई संभावनाएं हैं। दूसरी बात, उसके बारे में सचेत रहे जो आपके अंदर रहता है, जो भीतर में है, जो आपके अंदर है, वो उससे बड़ा है जो संसार में है। प्रभु भीतर है, इसके लिए सचेत हो। प्रभु भीतर है, मनसा रखे, शैतान पर मन न लगाए, शैतान की सचेतता न रखे। तीसरी बात, आप पापी नहीं, धूल नहीं, कीड़े नहीं, बेकार और ऐसे किसी काम के नहीं है, नहीं, आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। चौथा सत्य जिस पर हम गौर कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, वो सत्य हमारे छुटकारे की वास्तविकता। कैसे? ये तो प्रभु ने क्या किया और हमें क्या करना है। छुटकारे के दो पहलू हैं। यदि आप इन दो पहलू को समझ ले तो आप छुटकारे के बारे में शिक्षा को सही तरह से समझ लेंगे। छुटकारे के दो पहलू है, एक तो छुटकारे का नैतिक पहलू है और उसका संबंध परमेश्वर ने जो पहले किया है उससे है और पूरा किया और क्रिया के रूप में स्थापित किया अलौकिक घोषणा और नियम के द्वारा। ये लिखा है, बस यही यीशु इस पर खड़ा होता है, ये लिखा है, कहता है, ये पहले स्थापित है, इसे कोई नहीं बदल सकता। परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की है और लोगों को बताया है क्रूस के द्वारा और कलवरी के क्रूस पर और यीशु मसीह के गाढ़े जाने और जी उठने के द्वारा उसने स्थापित किया और क्रियाशील की है ये नई वाचा। हम नई वाचा के दिनों में जी रहे हैं और हम खास तरह की व्यवस्था में जीते हैं जहां नई वाचा हमारे लिए उपयोगी होती। यानी नैतिक पहलू है, छुटकारे का एक पहलू है जो प्रभु ने किया, लेकिन केवल वो नैतिक भाग ही हमें सफलता में जीने में मदद नहीं करेगा। वो है कि सफलता में जीने में मदद करे, लेकिन केवल ने सब कुछ कर दिया इसका यह अर्थ नहीं है कि आपके पास ये है और आप व्यवहारिक रूप में इसका आनंद उठाएंगे। बहुत से लोग इसका आनंद नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि छुटकारे का एक और पहलू है और वो छुटकारे का व्यवहारिक पहलू है। छुटकारे का व्यवहारिक पहलू इसी के बारे में है कि जो प्रभु ने किया उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रभु ने जो किया है उसके लिए आप क्या करेंगे। क्या आप इन चीजों को थामे रहेंगे? क्या आप इसे समझेंगे? क्या आप इसके प्रकाशन में चलेंगे और आप इसके बारे में इस तरह से प्रकाशन पाएंगे कि ये जीवन में, आपके जीवन में फर्क लेकर आए। ये छुटकारे का व्यवहारिक पहलू है। अक्सर लोगों में व्यवहारिक पहलू की ही कमी होती है। अब मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकाले मरकुस अध्याय 5, क्योंकि मैं फिर से जोर दूंगा इस नैतिक और व्यवहारिक पहलू पर। पिछले हफ्ते हमने एक बहुत ही अद्भुत भाग देखा था। मैंने आपको बताया कि इजरायली लोग वो वाचा में थे, इब्राहिम की वाचा में थे। वो वाचा इसलिए थी कि वो जीवन भर आजादी में जिए। वाचा की प्रतिज्ञा थी कि किसी भी परिस्थिति में वो किसी के गुलाम नहीं होंगे,
कि वो पूंछ नहीं बनेंगे, वो सिर होंगे, वो नीचे नहीं रहेंगे, वो ऊपर रहेंगे। ये प्रभु की घोषणा थी। लेकिन फिर भी इजरायली लोग गुलामी में 430 साल तक रहे। इसलिए नहीं कि ये प्रभु की इच्छा थी, लेकिन इसलिए कि वो नहीं समझ पाए। लोगों की ऐसी पीढ़ी थी जो इस सत्य को नहीं समझ पाई कि कैसे परमेश्वर ने उनके पूर्वज इब्राहिम से वाचा बांधी थी और इन बातों को स्थापित किया कि वो सच में इसे थाम कर इसमें चल सकते हैं। यीशु के समय में, यीशु 400 साल के साइलेंट ईयर के बाद आया था जैसे कहते हैं, और वहां मानो मृत्यु थी उस यहूदी आस्था में, वहां के उन लोगों में। 400 साल तक कोई भविष्यवक्ता नहीं था, उनमें प्रभु का कोई महान काम नहीं हुआ था, वो मरी हुई दशा में थे। तो वहां यीशु आता है और वो व्यवस्था में पैदा हुआ था, मतलब इब्राहिम के वंश में, और उनके बीच मनुष्य के रूप में चलता था, ऐसे काम करता था जिससे वो चकित होते, जबकि वो खुद ये काम कर सकते थे, वो उसके समान हो सकते थे, वो भी उसके जैसे ही कर सकते थे। यहूदी होकर वो पैदा हुआ, व्यवस्था में इब्राहिम की संतान होकर उन्हें भी वो सब कुछ मिलना था जो इसे मिलना था। लेकिन फिर भी पूरे इसराइल में एक भी व्यक्ति नहीं था जिसके पास यीशु के समान इन चीजों का प्रकाशन था। यीशु इन प्रकाशन में चला कि उसका क्या है। और यीशु के दिनों में यहूदी लोगों के बीच में, प्रभु के लोग, वाचा के लोगों के बीच दुष्टात्मा से ग्रसित लोग थे, शैतान के द्वारा सताए गए लोग थे। लोग तो बस गुलामी में थे, गरीबी की और ये सब था, बहुत से तरीके से वो बीमार थे और ये सब कुछ था। और यीशु आकर उन्हें छुड़ाने लगा, बताने लगा कि वो आजाद हैं, क्योंकि ये इब्राहिम की वाचा के द्वारा पहले ही उनका था। अब इब्राहिम की वाचा यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचती है, बाइबल कहती है, ठीक है। अब चलिए मैं मरकुस अध्याय 5 से पढ़ता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मसीह जीवन में निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे धार्मिकता, यीशु का नाम, यीशु का लहू, ये सारे सत्य जिनके बारे में चर्चा करते, लेकिन मसीह जीवन में सफलता के लिए एक चाबी है, वो है आप जो निर्णय लेते हैं। आप सामर्थ्य पाए व्यक्ति हैं। सामर्थ्य सच्चाई के साथ आती है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप निश्चित करें और निर्णय लेते कि आप क्या पाएंगे। स्वर्ग के प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप निर्णय ले सकते हैं और आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आप क्या पाएंगे। इसलिए मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे दो लोग थे जो निश्चित थे और निर्णय लिए थे। मुझे कहानी पसंद है, ये चंगाई की कहानी है। वो इतने निश्चित थे और निर्णय लिए थे कि जो लेने आए हैं उसे प्राप्त कर रहेंगे। अब मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप में से कोई ऐसा है और आप इतने निश्चित है और निर्णय लिए हुए कि आप वो पाएंगे जो प्रभु ने आपके लिए कलवरी के क्रूस के द्वारा खरीदा है, आप वो पाएंगे जो प्रभु ने आपको दिया है और आप उसमें चलेंगे। यदि आप निर्णय ले और ठान ले कि आप उसमें चलेंगे तो चल सकते हैं। इस संसार में कुछ भी नहीं, नरक की कोई सामर्थ नहीं, शैतान की कोई सामर्थ नहीं कि आपको रोक सके जब आप निर्णय लेते हैं। मैं यही दिखाना चाहता हूं। तो चलिए मैं वचन 21 पढ़ता हूं। इस कहानी को सुनिए। आप दो लोगों को देखेंगे, सच में उनके साथ जो हो रहा था सारी बातों पर वो नियंत्रण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया। मरकुस अध्याय 5 वचन 21। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि देखो, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पैरों पर गिरकर उसे सब कुछ सच सच बताया। उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे।
जब वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर से कहा तेरी बेटी मर गई तो अब गुरु को क्यों दुख देता है। वो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर केवल विश्वास कर। उसने पत्रस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते हुए देखा, उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी वहां गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं कि तू उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए, अब मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तो निर्णय लेना है। मसीहत अपने आप में निर्णय की श्रृंखला है। यह ऐसा है जो हमें सच में समझना होगा कि आपको आजाद करो और प्रभु ने आपके लिए जो किया उसका आप आनंद उठा सके। चलिए मैं उदाहरण देता हूं। मैं सोचता हूं कि हमें अभी उदाहरण शुरू करना चाहिए क्योंकि इसी तरह से आप इसे समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप निर्णय न ले तो प्रभु ने जो भी किया है आप जो प्रभु ने किया उसका आनंद नहीं उठा सकते यदि आप निर्णय नहीं लेते हैं तो। यह स्पष्ट बाइबल की शिक्षा है। प्रभु ने मनुष्य को ऐसे बनाया, प्रभु ने मनुष्य को अपने जैसे बनाया कि निर्णय ले, मूल्यांकन करे, ठान ले और जीवन में जो चाहता उसे ले ले। तो निर्णय महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण के लिए लीजिए आपका उद्धार। यीशु ने छुटकारे का काम किया। परमेश्वर ने यीशु के संसार में भेजा, वो यह रहा, क्रूस पर मरा, अपना लहू बहाया, गाढ़ा गया, तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। उसने छुटकारे का काम पूरा किया और वो पिता के दाहिने जा बैठा है। 2000 साल से हमारे बदले में मध्यस्थी करता है। यह ऐसा है जिसे छुटकारे ने प्राप्त किया है, लेकिन यह हम सबके लिए पूरा हुआ है। यह केवल इस चर्च के लोगों के लिए पूरा नहीं किया गया है, यह पूरा किया गया संसार के हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो इसे जाने या ना जाने, यह हर एक मनुष्य के लिए हो चुका है। लेकिन सारे लोगों ने इस छुटकारे का आनंद नहीं उठाया, छुटकारे का और इसकी लाई चीजों का। सारे लोगों ने इन चीजों को प्राप्त नहीं किया है जो छुटकारे की आशीष ने उन्हें दिया है। सब लोगों के पास वो नहीं है जो छुटकारे ने उनके लिए लाया है। क्यों? क्योंकि केवल जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है यह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। केवल जब वो व्यक्ति निर्णय लेता है तो यह छुटकारा उस व्यक्ति के जीवन में वास्तविक हो जाता है। इसलिए जानते हैं मिस्टर ग्रहम, बिल्ली ग्रहम सबसे महान प्रचारकों में से एक हैं। जब भी वो प्रचार करते, सुसमाचार बताते और जानबूझकर वो सुसमाचार प्रचार करते और फिर न्योता देते हैं, वो कहते हैं क्या आप अब निर्णय लेंगे कि आप यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता बनाएं? अब मुझे पसंद है क्योंकि हालांकि प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, हालांकि इस महान और अद्भुत प्रचारक ने इसका प्रचार किया है, इससे उनका कोई लाभ नहीं होगा, ये लोगों के जीवन में वास्तविकता नहीं होगी जब तक कि उन्होंने जो सुना उसके आधार पर वो खुद निर्णय न ले और वो कहे हां प्रभु ने ये चीजें दी हैं, मैं इसे लेकर अपना बनाता हूं, मैं इसे लेकर आनंद उठाऊंगा। यदि प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है, यदि प्रभु ने मुझे पापों की क्षमा दी है, यदि प्रभु ने मुझे स्वर्ग दिया है, यदि प्रभु ने मुझे अधिकार और सौभाग्य दिए हैं, तो आज ही से मैं इसे लेता हूं। पहले जैसे किया वैसे नहीं, मसीह के बिना जीने वाला नहीं हूं, पहले जैसे जीता था वैसे नहीं जीऊंगा, मैं उत्तम निर्णय लूंगा आज ही कि यीशु को मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बनाऊं, कि उसने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए लागू हो जाए, कि उसने जो भी किया उसे मैं पाकर आनंद उठाऊं। इसलिए उनकी सभा में आप देखते लोग खड़े होते हैं और उठकर निर्णय लेते हैं और सामने आते हैं, वेदी पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए विनती करते हैं। देखिए उसी पल छुटकारा वास्तविक हो जाता है। ये पहले से किया गया है, लेकिन उस पल जब वो निर्णय लेते हैं तभी वो वास्तविक हो जाता है। ये उत्तम निर्णय है। उत्तम निर्णय क्या है? उत्तम निर्णय आपके अंदर इतना बड़ा होता है कि आप अपना नाम उसमें रख सकते हैं। आप कहेंगे मैं करूंगा, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा। बड़ा फर्क है लोगों का ये कहने में कि हां मुझे करना ही है।
बहुत से लोगों को देखा होगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं सोचता हूं कि मुझे इन दिनों में ये करना होगा। आप ये कहते रहेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। शायद आपके उद्देश्य अच्छे हो, आप अच्छी व्यक्ति हो, लेकिन जिस दिन आप कहेंगे मैं करूंगा, बस यही है। मैं विश्वास का कदम उठाता हूं, मैं आगे जा रहा हूं, यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता लेता हूं। इसके बाद मैं एक पल भी ऐसे नहीं रहूंगा, उसके बिना नहीं रहूंगा। मैं अपने जीवन में पहले जैसे जो करता है नहीं करूंगा। ये अलग दिन है, मैंने सत्य सुना है, अब मैं उत्तम निर्णय ले रहा हूं, मैं अपना नाम इसमें रख रहा हूं। ये बस यही है। उत्तम निर्णय इसी के बारे में है। निर्णय वास्तविकता के लिए खुला द्वार है मेरे दोस्तों। निर्णय के बिना आप वास्तविकता में नहीं जा सकते जो प्रभु ने किया है। एक बार आपने निर्णय लेने के बाद, सारा नरक आपके उद्धार के विरुद्ध हो, मैं जानता हूं वो विरुद्ध में है। बाइबल कहती है कि संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा किया है। शैतान नहीं चाहता कि कोई उद्धार पाए, इसलिए उसने लोगों को व्यस्त रखा है वो जो भी कर रहे हैं उसमें। और जब वो सुसमाचार सुनते भी हैं तो वो उन्हें हर तरह का सुझाव देता है, उनसे कहता है खैर तुम जानते हो तुम्हें इसमें आना नहीं चाहिए, तुम मजा नहीं कर पाओगे, और यदि तुम चर्च में जाओगे और अपना जीवन प्रभु को दोगे और फिर चर्च में जाओगे और बाइबल लेकर चलोगे और तुम अजीब व्यक्ति हो जाओगे, जानते हो सब तुम पर हंसेंगे, और तुम जो पहले करते आए वो नहीं कर पाओगे, तुमने जो किया वो नहीं कर सकोगे, तुम दुनिया में मजा नहीं ले सकोगे, बस इन बातों से दूर रहो। आप कहेंगे शैतान ये कहता है कैसे पता, उसने मुझे कई साल पहले ये बताया जब मैं बढ़ रहा था। जानते हैं मैंने सोचा कि उद्धार पाना तो बुढ़ापे में किया जाने वाला काम है, फिर चर्च के पास में ही घर लेते हैं कि हमेशा चर्च में जा सके। जब जवान होते तो मर्जी से जी सकते हैं सोचता, लेकिन बाइबल इसका उल्टा ही कहती है। हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर, क्योंकि जब आप जवान होते हैं तो वो आपका हाथ थामकर आपकी अगुवाई कर सकता है, जिस मार्ग में जाना चाहिए उसे दिखा सकता है, वो निर्णय लेने में मदद कर सकता है, जीवन की हर मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है कि आप विजयी हो जाएं, कि वो आपका सहायक हो सकता है, वो आपको विजयी बना सकता है। इसलिए कहता है कि जब तुम जवान हो तो ये करो, आपके दांत गिरने पर नहीं, आंखें धुंधली होने पर नहीं, आपके पैर कांपने पर, और जब आप चल नहीं सकते तब उसके बाद आप क्या करेंगे। बाइबल क्यों कहती है कि हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर, क्योंकि जब आप अपनी जवानी के दिनों में उसे जानते हैं दोस्तों, तो बहुत सी चीजें देखते हैं और आनंद लेते हैं कि स्वीकार करें और प्रभु की आशीषों में जिए। ये कहता है हे जवान, इसे न चूकना, ये बहुत कुछ है। जब आप जवान हैं और प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ चूक रहे हैं। आप जीवन में सबसे उत्तम चूक जाएंगे और उसे नहीं पाएंगे। देखिए, लेकिन वो इसका उल्टा बताते हैं, क्योंकि शैतान के बहुत से एजेंट बाहर हैं। वो कहते हैं चलो थोड़ा समय खेलते हैं, बस कुछ साल, उसके बाद में शादी होने के बाद में तुम विश्वास कर लेना, जब थोड़े बूढ़े हो जाएंगे और बाल सफेद होंगे तब विश्वास कर लेना, जब बाल झड़ने लगे तब चर्च जाना शुरू करना। शैतान आपको ये सब बताता है और आपको उद्धार से रोकने के लिए हर कोशिश करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो ये काम नहीं कर सकता जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करूंगा। कोई क्या कहता है मुझे परवाह नहीं है, मैं उठकर आगे जाऊंगा और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करूंगा और मैं उसे अपना प्रभु और उद्धारक बनाऊंगा, अब मैं आगे से मसीह के लिए जीऊंगा। आप जब ये निर्णय लेते हैं तो सारा नर्क आपके विरुद्ध में होता है, लेकिन वो असहाय है और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो वो खड़े होकर देखते हैं और ये भी गया, हमारा एक और कम हुआ, और फिर वो नर्क फिर से शुरू होता है। अब वो अलग एंगल से आते हैं, अब वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, तुम वहां पर गए और यीशु को स्वीकार किया और ये सब काम किया, लेकिन सैम चिलुदराई जो सिखा रहे हैं उस पर विश्वास न करना। वो इतना सकारात्मक सिखा रहे हैं कि अलग दिशा में ले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम सफल हो, तुम संपन्न हो, तुम आशीषित हो, प्रभु ने तुम्हारे लिए इतना कुछ रखा हुआ है, इन सारी बातों पर विश्वास न करना। देखिए, उद्धार पाने के बाद में शैतान उन्हें असफलता में रखना चाहता है, उन्हें कमी और घटी में, बीमारी में रखना चाहता, गरीबी में और उस परिस्थिति में रखना चाहता जिसमें वो पहले से ही थे मसीह के बिना। क्या ये अजीब नहीं? शैतान जैसे भी इनकी चीजों को पाना चाहता है, और बहुत से लोग इसके शिकार होते कि जब वो उद्धार पाने का निर्णय लेते हैं शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो खड़े रहकर देखता है, और उसके बाद आप निर्णय की श्रृंखला लेते रहते हैं,
आपको निर्णय लेना है कि तंदुरुस्ती और बल में चले और प्रभु की चंगाई में चले। आपको निर्णय लेना है कि सफलता में जिए। आपको निर्णय लेना होगा कि खुश परिवार रखें। आपको निर्णय लेना होगा कि आप अपने हाथ के हर काम में सफल हो जाए। आपको निर्णय लेना होगा कि जो भी यीशु ने आपके लिए किया है उसे आप ले ले, उसे इस जीवन में ले ले, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने शरीर में, अपने हाथों के कामों में, अपने परिवार में, अपने धन में। आपको निर्णय लेना होगा। सैम पी चलोदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। Cross the empty grave, life eternal you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Face to face, I'm yours, Jesus, you are.